तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल आरके यादव स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से फ्रेंड्स वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इसकी एज क्राइटेरिया जो है 18 से 30 रखी गई है और ये हम बता दें कि ग्रुप बी की पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे तभी फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को हम ले चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पे कि कोस्ट गार्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकलकर आई हुई है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप सभी को ऑलरेडी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उस पर हम आप सभी को लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में हम आप सभी को डिटेल से बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दे चुका है ऑलरेडी कोस्ट गार्ड हेड क्वार्टर्स, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी दे चुका है कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑफ द फ्लोइंग वैकेंसीज थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी के जो पोस्ट है फ्रेंड्स, जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो वैकेंसी है आमंत्रित की है आप सभी को, ये जो है लेवल 6 की जो है इसमें आप सभी को सैलरी मिलने वाली है जो कि 35,000 से लेकर के 112,400 के बीच आप सभी को यहाँ पे फ्रेंड्स सैलरी लगने वाली है। और यहाँ पे हम पोस्ट की बात कर ले फ्रेंड्स, तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है जो कि नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, ठीक है दोस्तों। यदि आप सब इसके लिए एलिजिबल है तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है कि आप सभी को पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को चेन्नई, यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को देखने को मिल रहा होगा जो जो भी है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कोलकाता, हल्दिया यहाँ पे दे चुका है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिगलीपुर, ठीक है, आप सब देख सकते हैं जो जो यहाँ पे दे रखा है सेंटर, आप सभी की इसी जगह पे तैनात किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें फ्रेंड्स आप सभी को रिटन टेस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ से इसको डाउनलोड करके आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट साइज का फोटो अटैच करनी है फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप सभी को पिन कोड के साथ फ्रेंड्स लगाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है इसमें अपना किस वर्ष में अपना जो है पास किए हैं 10वीं 12वीं, वो आप इसमें फ्रेंड्स फिल करके अपना मार्क्स इसमें दे देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे लेफ्ट हैंड का जो है थंबनेल यहाँ पे देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे डेट डाल करके अपना सिग्नेचर करके फ्रेंड्स अपना फॉर्म सबमिट कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आप सभी को डिटेल से समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को हम ले चलते हैं सीधे फ्रेंड्स इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में आप सभी को बता। हाँ, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, यानी इसमें कितना पोस्ट है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो ग्रुप बी की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड का, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या फ्रेंड्स यहाँ पे 9 दे रखा है। और हम बात कर रहे हैं पोस्ट का, तो फ्रेंड्स ये चार्जमैन का पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आप सब समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ये जॉब है और पोस्ट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मोड की बात कर लेते हैं कि किस मोड में आप सभी को यहाँ पे फ्रेंड्स अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पे अप्लाई करनी होगी ऑफलाइन मोड में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हु कैन अप्लाई ऑल इंडिया जॉब, आप कहीं से भी कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर की बात करें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप सभी को ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। और यदि यहाँ पे फ्रेंड्स पे स्किल की हम बात कर ले तो फ्रेंड्स आप सभी को पे स्किल 6 लेवल का मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी के यहाँ पे काफ़ी अच्छा सैलरी भी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को शुरुआती वेतन 35,400 से लेकर 112,400 के बीच आप सभी को पर मंथ सैलरी यहाँ पे लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा जो है पैकेज है सैलरी का। यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी कैटेगरी का यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीटी, किसी भी आप कैटेगरी से आते हैं आप सभी के यहाँ पे फ्री रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे एज लिमिट मिलने वाला है 18 से 30 साल के। और यहाँ पे ओबीसी का 18 से 35 रहने वाला है और एससी एसटी का फ्रेंड्स यहाँ पे 18 से 35 रहना, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को यहाँ पे एज रिलेशन भी मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बात कर ले एसी एसटी का 5 साल का मिलता है फ्रेंड्स एज रिलेशन, और ओबीसी का फ्रेंड्स यहाँ पे 3 साल का मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को एज रिलेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, तो नॉथिंग फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है। और आगे बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे ओनली फॉर मेल कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट का ही फ्रेंड्स यहाँ पे चेस्ट मापा जाएगा, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रनिंग की बात कर ले तो रनिंग यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को नहीं होने वाला है, और यहाँ पे लॉन्ग जंप यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। हाँ तो अप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स आप सभी आप सबको जो जब सबमिट करना होगा तो फ्रेंड्स आप सभी को ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि आप सभी को यहाँ पे क्या क्या बातें ध्यान रख करके करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है कि फोटो एंड सिग्नेचर लाइट कलर बैकग्राउंड फोटो। ठीक है दोस्तों, यानी आप सभी को जो है बैकग्राउंड कलर जो होनी चाहिए लाइट में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और फोटो एंड सिग्नेचर आप सभी को होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब आप लोग ऑफलाइन मोड में फॉर्म अपना सबमिट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी 8वीं एंड 10वीं के फ्रेंड्स आप सभी को लगानी है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगानी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जिस कास्ट से आप आते हैं। उसके बाद पैन या आधार कार्ड एक आईडी प्रूफ में आप सभी को दोनों में से कोई लगा देनी है, पैन होगा पैन कार्ड या आधार कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इसको अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद अपना फॉर्म फ्रेंड्स अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स इसमें से आप सभी को कोई दिक्कत होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी कैंडिडेट शुड हैव पास इट 10वीं 12वीं या डिप्लोमा। ठीक है दोस्तों, प्लस में डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और मरीन और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप सभी को होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे पता करने के लिए चेक ऑल्सो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट डिटेल्स फ्रेंड्स वहाँ पे आप सभी को मिल सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को जाना है इंडियन कोस्ट गार्ड को, वहाँ से आप सब अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में फ्रेंड्स रहने वाली है रिटन एग्जाम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप सभी को फाइनल मेरिट लिस्ट बन देगी। यहाँ पे कोई फिजिकल और यहाँ पे कोई रनिंग होने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर ले फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस की। तो कॉमिंग सून यहाँ पे दे रखा है, अभी कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी का जो है 14 अगस्त से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जो है अप्लाई शुरू हो गया है। यहाँ से लास्ट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन 15 सितंबर तक फ्रेंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड का कोई अभी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल है और यदि आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई कर दे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पोस्टल एड्रेस जो दे रखा है डायरेक्टर जनरल फॉर सीएसओ रिकार्ड कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, आप सभी को इसी एड्रेस पे आप सभी को फॉर्म सबमिट करके भेजना है। ठीक है दोस्तों, नोएडा यूपी यहाँ पे ऑलरेडी अपना पिन कोड दे रखा है। तो फ्रेंड्स आप सब यहाँ पे अपना देख करके मेंशन करके ही फॉर्म सबमिट करनी है ताकि कोई गलती ना हो, नहीं तो फ्रेंड्स आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सब यहाँ से अपना जो है डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से ऑलरेडी अपना ऑलरेडी दे चुका है, आप लोग इस पे जाकर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप सब यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करके अपना सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि देखना है तो आप सब यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।